प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सबक नंबर 11 पढ़ाऊँगी और सबक का नाम है अनोखी बड़ी बी, यानी कि बड़ी बी उन्हें कहा जो हम अपने से आपसे बहुत बड़ी हूँ। अब चलिए इसकी कहानी मैं सुनाती हूँ, तमसीली कहानी। इस कहानी को क्या कहते हैं? तमसीली कहानी, जिसमें बेजान किरदार या जानवर को इंसानी शक्ल में पेश किया जाता हो। इस कहानी को क्या कहते हैं? इंसानी शक्ल पेश के, जैसे फारसी में अनवार सहेली, संस्कृत में पंततीरा और इंग्लिश में आसुपश फैलिस की कहानियाँ। यह कहानी भी एक तमसीली कहानी, इसमें एक इसरार तजस्सुम आखरत तक बरकरार रहता है कि आखिर में अनोखी बड़ी भी हैं कौन। लीजिए पढ़ते और जानते। अभी पिछले दिनों में हम लाल किला के मुआशरे से लौट रहे थे तो बुढ़िया नज़र आई, जिसकी कमर झुकी हुई थी। उसके हाथ में लाठी थी। वह सख्त उस सर्दी में एक मामूली चादर ओढ़े हुई थी। यह चादर भी जगह जगह से फटी होने के सबब उसकी गुर्बत की दास्तान कह रही थी। हम उसके करीब पहुँचे तो उससे खांसते हुए पाकर हम उसने पूछा कि बड़ी बी, इतनी रात गए सर्दी में तुम कहाँ जा रही हो? बेटे, मैं इधर ना कोई ठिकाना है। ऐसा कैसे? यह बड़ी बी लंबी कहानी है, तुम इसे सुनकर क्या करोगे? बड़ी बी कह रही हैं, नहीं अम्मा, आपकी सुनाई हुई होगी। बेटे, मैं बहुत दुखियारी हूँ, अपने नसीब को कोस रही हूँ। एक वक्त था कि मेरी हर जगह इज्जत होती थी। बड़ी बी कह रही हैं, शाही दरबार तक मेरी रुसवाई थी। और शाही दरबार की बात सुनकर हमारे कान खड़े हो गए, क्योंकि शाही ज़माना ख़त्म हुए, ढेर साल गुजर चुके थे। इसका मतलब यह है कि इनकी बड़ी बी की उम्र 150 साल से ज़्यादा हो गई थी। इनकी उम्र क्या हो गई थी? 150 साल से ज़्यादा उम्र हो गई थी। जब बड़ी बी ये क्या थी, ये एक मुआशरे की में रहती थी, और जो इतनी ये थी लंबी कि वो उनकी कमर भी झुकी हुई थी, और उसे अपने बेटे को बहुत अपने नसीब के बारे में अपने बेटे से कोस रही थी कि मेरी जो पहले दरबार में जितनी इज्जत थी वो अब नहीं रहा उस पर। इसका मतलब बड़ी बी की उम्र 150 साल से भी ज़्यादा हो गई थी। उनकी कितनी उम्र हो गई थी? 150 साल से भी ज़्यादा। हमारी दिलचस्पी उन पर इसरार बड़ी बी में मज़ीद बढ़ गई थी, यानी कि उनकी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। हम बातों ही बातों में उन्हें अपने घर ले आए। उनसे बात करते ही करते उनको क्या किए, बड़ी अपने घर ले आए। उस वक्त हमारे साथ हमारे दोस्त भी थे। कौन थे मेरे साथ? मेरे साथ वो दोस्त भी थे। हमारी बीबी मुंतज़र थी, क्योंकि मुआशरा हर साल देर रात तक ख़त्म होता था। तो गरम चाय हमारी तो वाजे हुई, तो हर साल हमारा कोई ना कोई दोस्त हमारे साथ होता था। लेकिन एक रोज़ बड़ी बी ने इजाफे ने हमारी अहलिया को भी चौंका दिया। हमने मुख्तसर बड़ी का तारुफ करवाया और हमदर्दी पैदा हो गई। बड़ी बी को अंदर के एक रज़ाई ला कर दी, उनके लिए हीटर जला दिया। हमारे बच्चे भी जो उनमें से टीवी से चिपके बैठे रहते थे, हमें देखकर कड़ी दी बनकर हमारे पास आ गए। बड़े इश्तियाक से उनकी बड़ी बी को देखने लगे। उन्हें यह चांद की बुढ़िया से कम नज़र ना आए, क्योंकि उनके सुनहरे बाल उनके चांद की बुढ़िया होने की गवाही दे रही थी, बल्कि उनके बाल जो थे वो एकदम सुनहरे रंग के थे। वह उन्हें यह चांदनी की बुढ़िया से कम नज़र नहीं आ रही थी, मतलब वह चांदनी सी नज़र आ रही थी, क्योंकि सुनहरे बाल उनके चांदनी
बुढ़िया होने की गवाही दे रही थी। उनका बारीक नाक नक्शा पतले पतले होंठ पिचके हुए थे, मगर यह कशिश गाल जिनमें दो बड़ी बड़ी काली आंखें अपना फसाना खुद कह रही थी कि हाथों पैरों और चेहरे की झुरियाँ उनकी उम्र का पता दे रही हैं, इतने खूबसूरत थी कि वो कह नहीं सकते कि जैसे कि कोई फसाना ही हो। उनकी कमज़ोर टांगे और हाथ उनकी तहीफी की दास्तान कह रहे थे कि बालों की सफ़ेदी में एक ख़ास किस्म की चमक ने बड़ी को भी तक परकशिश बना दिया हुआ था। थोड़ी देर में हमारी मोहतरमा सब के लिए चाय बनाई। बड़ी भी हीटर और जाई की गर्मी पाकर अब खुद को कुछ महफूज महसूस कर रही थी। थोड़ी देर पहले तक वह अपने सब की तरफ कुछ सहमी नज़र देख रही थी, कुछ खौफ ज़दा थी। हमने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि आप यहाँ हर तरह से महफूज हैं, आप घर आए या नहीं आप अपने बारे में कुछ बता रही थी। वह बोलिए बेटी यूँ तो कहने लगी कि नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारी हमदर्दी देखकर मुझे बोलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। मैं आज से तकरीबन 400 साल पहले जनूबी हिंदुस्तान यानी के दक्षिणी में पैदा हुई थी, वही पली बढ़ी। अभी बचपन से निकलकर लड़कपन में कदम रखी थी कि मेरे वालदैन को शुमाली हिंद के दरबार में मुलाजमत हो गई। ये लोग रहती थी जनूबी हिंदुस्तान में और अब उनके वालदैन को मुलाजमत के लिए शुमाली हिंद बुला लिया गया, शुमाली यानि उत्तरी। मुझे भी इनके साथ यहाँ आना पड़ा, मतलब माँ बाप के साथ इन्हें भी बड़ी बी को भी आना है। यहाँ मैं पुल पढ़कर जवान हुई, मतलब पल बढ़कर जवान हुई, मतलब वहीं मेरी जवानी के चर्चे हर जगह हर गली और हर मोहल्ले में थे। खूबसूरत भी बहुत थी, जो मुझको एक दफ़ा मिलता था मेरा गरीबा हो जाता था, यानी कि उनको कोई भी उनसे मिलता था तो उनसे एक दिलचस्पी होने लगती थी। शाही लश्कर में भी मेरी बहुत कदर थी, शाही दरबार में ही मेरी शादी हो गई थी। अब तो मैं शहजादी से रानी और मलका बन गई, यानी कि शहजादी कहते हैं बेटी को और रानी मलका यानी। दिल्ली के हालात ख़राब हुए, मुझे अपने चाहने वालों के साथ ओध के पनाह लेनी पड़ी, वहाँ भी मेरी खूब कदरदानी हुई। इंतहा कहकर बड़ी भी कुछ सोचकर बढ़ गई। हमने कहा कहिए फिर क्या हुआ, ठीक है। मेरे शबाब के ज़माने में चर्चे हो रहे थे और हर तरह ख्वाह शुमाली हिंदुस्तान का शाही दरबार हो या हो ना हो, मैं गोल्डन रियासत वगैरह के वालिया महलिया फिर आवामी बाज़ार में हर जगह मकबूल थी। लेकिन फिर ना मालूम कि किसकी नज़र लग गई और यह कहकर बड़ी भी खामोश हो गई, ठीक है। अब इसको मैं यहीं तक रहने देती हूँ, आप भी इसे पढ़ेंगे और कॉपी में भी लिखेंगे, ठीक है। रखती हूँ, शुक्रिया।